नमस्कार, मैं हूं भारत भूषण। हमारे विशेष कार्यक्रम राजनीति में आपका स्वागत है। आज राजनीति में हम उन संस्थाओं की बात करेंगे जो हमारे लोकतंत्र की रक्षक हैं। पिछले 4 साल में ऐसी कई संवैधानिक संस्थाएं चर्चा में रही हैं। ये चर्चा संस्थाओं और सरकार में लेकर जो विवाद है उसके बारे में है। सबसे ताज़ा विवाद RBI के बारे में है, इससे पहले विवाद CBI और CVC के बारे में रहा है। मोदी सरकार पर आरोप लगता रहा है कि वो सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं श्री विवेक काटजू, जाने माने राजनयिक हैं, कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं। हमारे साथ हैं श्री अविनाश मोहनानी, सेवानिवृत्त IPS ऑफिसर हैं और सिक्किम के पुलिस महानिदेशक DGP रह चुके हैं। और हमारे साथ हैं श्री नवीन कुमार जिंदल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सबका इस चर्चा में स्वागत है, लेकिन चर्चा से पहले देखिए ये एक रिपोर्ट। पहली बार नहीं है जब सरकार और किसी अहम संवैधानिक संस्था का टकराव सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हो। कुछ दिन पहले ही CBI के 2 आला अफसरों के विवाद में सरकारी दखल का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सरकारी दखलअंदाजी के आरोपों की छाया ने CVC की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट को CVC जाँच पर निगरानी का आदेश देना पड़ रहा है। हद तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट तमाम विवादों में जनता की आखिरी उम्मीद का काम करता रहा है, कुछ अरसे पहले उसे खुद को बचाने के लिए जनता के बीच आना पड़ा था। लोकतंत्र में चुनावी निष्पक्षता की गारंटी देने वाले चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगना तो अब आम बात है। इन तमाम विवादों और आरोपों से देश की अहम संवैधानिक संस्थाओं के कमजोर पड़ने का खतरा बढ़ा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं के साथ सरकार का तालमेल ठीक नहीं है, या विपक्ष के इन आरोपों में वाकई दम है कि मौजूदा सरकार जानबूझकर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लेटफॉर्म। विवेक, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या स्वतंत्र भारत में सिवाय आपातकाल के कोई ऐसा दौर आया था कि जब राज्य की संस्थाएं या एजेंसीज जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या अन्य जांच एजेंसियां या सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग, क्या इस तरह से विवादों से कभी घिरे रहे हैं? और आज अगर ये विवादों से घिरी हुई हैं ये संस्थाएं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, ये 4 साल की बात है। आज जो हम देख रहे हैं ये इसका ओरिजिन कई दशकों पहले और इसकी बुनियादी बात क्या है। मेरा मानना यह है कि हमारे संविधान का जो एक बुनियादी सिद्धांत, वो ये कि कार्यपालिका की जवाबदेही हमारी संसद को हो। लेकिन यहाँ पर एक कई तबके रहे हैं, सिविल सोसाइटी, न्यायपालिका में भी कभी कभी ये भावना आई है कि संसद जो है वो अपनी जवाबदेही का रोल ठीक से नहीं कर रही है, और कार्यपालिका पे इसलिए क्योंकि वो अंकुश नहीं लगा रही है, इसलिए अंकुश जो है वो और संस्थाएं लगाएं। मेरा मानना ये है कि इसकी वजह से जो आज हम विवाद देख रहे हैं इन संस्थाओं में, इन इंस्टीट्यूशंस में, CBI जैसे है, ये इसलिए है क्योंकि कार्यपालिका को अपना दायित्व, अपना रोल निभाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे निर्णय दिए हैं जहां पर उन्होंने क्या है पालिका की जो को अधिकार थे वो उन्होंने ले लिए, जैसे जजों की नियुक्ति। संविधान में तो ये है कि जज की नियुक्ति कॉन्सल्ट थी कि कॉन्सल्टेशन में होगी, लेकिन सरकार करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नियुक्ति जो है उसमें बोलबाला रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। CBI के मामले में तो एक खिचड़ी सी बन गई। करप्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से CVC सुप्रिंटेंडेंट करता है और मामलों में सरकार करती है। लेकिन बुनियादी असूल इसका यही है भारत, कि कार्यपालिका को जवाबदेही उसकी संसद में होनी चाहिए, और अगर संसद अपना रोल नहीं कर रही है तो फिर भारत की जनता को ये अपने राजनीतिक वर्ग से डिमांड करनी चाहिए कि आप रोल अपना अदा करें। इसके सवाय कोई चारा नहीं, नहीं तो यही खिचड़ी पकती रहे। अविनाश, कार्यपालिका पे अंकुश तो सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है, लेकिन आप पुलिस में भी रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर आपने काम किया है, आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा
कि सीबीआई का निदेशक सुप्रीम कोर्ट जाके ये कहेगा कि मेरे दफ्तर में, मेरे हेडक्वार्टर में मेरा ही एक सीनियर अधिकारी उगाही का रैकेट चला रहा है, एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है, या जब एजेंसी के दोनों बड़े अधिकारी, निदेशक और उनके नीचे काम मातहत करने वाला अफसर, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाएंगे कि इसने रिश्वत ली, वो कहते हैं नहीं उसने रिश्वत ली, या आप सोच सकते थे कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बैठ के रात को बैठक होगी और बैठक के बाद एकदम सीबीआई निदेशक को निकाल दिया जाएगा, उसका ऑफिस सील कर दिया जाएगा? ये सब काम संस्थागत व्यवस्था को ख़त्म करने वाले काम नहीं है क्या? देखिए, मैं तो शुरुआत वहाँ से करूँगा जहाँ इन्होंने शुरुआत की थी, काटजू साहब ने। सीधी सी बात है कि जो अथॉरिटीज़ का, जो इंस्टीट्यूशंस का, संस्थाओं का इरोजन है, ये नई बात नहीं है, ये कई सालों से, कई दशकों से चला आ रहा है। जो हमारे संविधान बना था उस समय जो लोगों ने सोचा था कि इस तरह से अलग अलग डिवीज़न हो जाएगा, वो हुआ नहीं है। और ये हर इंस्टीट्यूशन जो है वो जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है। आज हम ये देखें कि सीबीआई का ले लें या किसी का भी मामला ले लें, तो आज क्या जनता का विश्वास धीरे धीरे उठ नहीं रहा? ये आज चार साल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कई सालों से जनता का जो फेथ है एक रूल ऑफ लॉ में, एक जस्टिस में, एक फेयरनेस में, सीबीआई नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, नॉर्मल पुलिस का थाना ले लीजिए, क्या उसमें इंस्टीट्यूशन में आदमी का, किसी का फेथ है, या फेथ कमज़ोर हो रहा है? अब ये जो कमज़ोर हो रहा है फेथ, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि फेथ का कमज़ोर होना आदमी का उस पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, जो कि एक खतरनाक सी स्थिति में जा सकता है। नवीन जी, क्या आप अविनाश जी से सहमत हैं? क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आज आम आदमी इन एजेंसियों को ईमानदार, पेशेवर और उत्तरदायी संस्था समझता है? और अगर सीबीआई पहले पिंजरे में बंद होता था तो आज वो कौन सी चिड़िया है? पहली बात तो ये भरत भाई कि शायद आज इस डिबेट में कांग्रेस वाले होते तो अच्छा जवाब देते, वो बीच में से गायब हो गए। नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छा जवाब देंगे। नहीं, मैं तो अपना पक्ष रखूंगा, लेकिन क्योंकि सब अभी तक आप मेरे से पहले दो जो वक्ता हैं उन्होंने शुरुआत की किससे, कांग्रेस के शासन से, क्योंकि शुरुआत बीज उन्होंने ही बोया और बबूल का पेड़ ऐसा खड़ा किया जिसको आज काटना पड़ रहा है सब जगह से। आपको याद होगा कि राहुल गांधी के दादा थे फिरोज जहांगीर साहब, उन्होंने एक पंडित नेहरू के ऊपर घोटाले का आरोप लगाया था, जीप घोटाला, किशन मेनन घोटाला, और उसके बाद क्या हालत हुई उनकी, उनका कहीं पता नहीं चला, दिल्ली में तो जगह नहीं मिली, प्रयागराज में जाकर के उनकी कब्र बनी हुई है। मेरा कहना यह है कि सीबीआई को, अगर आप सीबीआई की भी बात करेंगे तो सीबीआई को तोता किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आज के समय में उस तोते को सीबीआई ने तो ये नहीं कहा ना कि आप तोता हैं या चिड़िया हैं, ऐसा तो नहीं कहा। आज क्या हो रहा है कि कांग्रेस के लोगों के अगर मुंह में जहर डालो तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन जब अगर लोगों के कानों में जहर डाल देंगे उसका इलाज जल्दी से संभव नहीं है। मैं तो ये पूछना चाहता था कि इन एजेंसीज का दुरुपयोग पहले भी हुआ है? नहीं, पहले दुरुपयोग ही हुआ नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको लगता है की बात करते हैं, सीबीआई, सीवीसी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मैं ना तो मैं आलोक वर्मा जी के पक्ष में हूँ और ना राकेश अस्थाना जी के पक्ष में हूँ, क्योंकि इसलिए कि दोनों की जांच इस समय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और एक जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उनके नेतृत्व में की जा रही किया जा रहा है, तो इसलिए मैं उन दोनों के विषय में ये विषय नहीं कहना चाहता। लेकिन अगस्त में जब राकेश अस्थाना जी ने कहा, रिकॉर्ड के अनुसार की बात करूँ मैं, दस्तावेज के अनुसार, अगस्त में उन्होंने एक चिट्ठी भेजी कैबिनेट सेक्रेटरी को और उसने सीबीसी को भेजी कि भाई इसके अंदर हमें चार केसेस के अंदर गिरफ्तारी करनी है चारों लोगों के, लेकिन डायरेक्टर अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। जब ये इंडिविजुअल केस से बचाइए, नाम मैं नहीं लेना चाहता किसी का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि संस्थागत जो इरोजन हुआ है, पतन हुआ है संस्थाओं का, वो पहले से ज़्यादा हुआ है आज की वही चला आ रहा है कि ये पतन रुका है? मेरा कहना ये है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे सीबीआई में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में वो चार जज हों जो निकल करके अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का समय है लेकिन बड़े महसूस मसलों को सुनने का समय उनके पास नहीं है। ये पतन नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो लगातार पिछले समय से हो रहे पतन का अंत होने की कगार पर है। आज ये माना जाए कि वो जो पिछले समय से, पिछले छह दशकों से जो पतन हो रहा था उस पतन का अंत होने की कगार पर है। कई संस्थाओं का ही अंत ना हो जाए, कई संस्थाओं का अंत ना हो जाए, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ विवेक, क्या आप सोचते हैं कि जो वर्तमान स्थिति बनी है इसका मुख्य कारण ये है कि जब ये सरकार आई तो ये मान के आई थी कि हम बड़ी सख्ती से कार्रवाई करेंगे, कड़ा नियंत्रण होगा,
लेकिन इस कड़े नियंत्रण में और कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि इन एजेंसी पे नकेल कसने के चक्कर में आप ऐसे अफसरों को ले आए जो आपके पसंदीदा थे या जिनका रेपुटेशन डाउटफुल था और अब उसका फल आप भुगत रहे हैं? भारत, मैं सिद्धांतों की बात करूंगा, मैं सरकार और किस तरह ये सिस्टम चला है आज के दिन, पहले कैसे चला उस पर नहीं जाऊंगा। मैं राजनीति में हूं नहीं, पर हम आज संस्थाओं के पतन की बात कर रहे हैं। आपको लगता है आज ज्यादा है कम है? ये कह रहे आप पतन बंद हो गया है। मुझे ये लगता है कि जो आज के दिन हमने सिस्टम बनाया उसमें सरकार की जवाबदेही कम हो गई। अब जैसे सीबीआई है, प्रोसिक्यूशन का मामला, पुलिस में अविनाश बड़े सीनियर मोस्ट पद पे रहे हैं, ये मुझे अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कहिएगा। स्टेट्स में क्या होता है, करप्शन का मामला किस कौन इन्वेस्टिगेट करवाता है, डीजीपी करवाता है या नहीं करवाता है? डीजीपी, हाँ, एंटी करप्शन ब्यूरो का इंचार्ज कौन, सुपरवाइजर डीजीपी है? कई जगह डीजीपी है, कई होम डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन होम डिपार्टमेंट भी कार्यपालिका में है। कार्यपालिका में, अच्छा बिल्कुल। तो सेंटर में मेरा कहना यह है कि सीबीआई, हम पूरी सीबीआई का चार्ज पूरी सरकार को क्यों नहीं दे, चाहे सरकार कौन सी भी हो, जो भी जनता ने इलेक्ट करी है उसके पास हो, और अगर वो काम ठीक से नहीं करे तो सरकार से जवाबदेही हो। ये हमने क्या बनाया है कि सीवीसी का आपने बनाया है, सरकार की जो अपॉइंटमेंट पावर है वो आपने ले ली। इससे मेरा आपसे बस एक सवाल है, 20 साल से जो जजमेंट आई थी विनीत नारायण की, 20 साल हो गए, क्या वो कामयाब साबित हुई है? आज के दिन वही सिद्धांतों के तहत ये नियुक्तियां हुई हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, जो अब लोकपाल में। तो यानी यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो बुनियादी सिद्धांत है कि कार्यपालिका का ये दायित्व है, अगर वो आप कार्यपालिका से ले लेते हैं तो फिर यही उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये जो अगर बीमारी है, सामाजिक बीमारी है, राजनीतिक बीमारी है, उसका बैंडेड से समाधान नहीं होगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो उनका विशेष महत्व इसलिए होता है कि वो पब्लिक के दबाव में काम नहीं करती हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इलेक्टेड बॉडी तो है नहीं, उनको दोबारा 5 साल में इलेक्शन तो लड़ना है नहीं, लेकिन हमारे संविधान में उसका प्रावधान इसलिए है ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके वो संस्था। तो आरबीआई एक स्वायत्त संस्था के रूप में ही ठीक से काम कर सकती है, फिर सरकार उस पर अपनी कार्यप्रणाली बदलने का दबाव क्यों डाल रही है? वहां पे तो सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे कोई डिसीजन किसी ने चेंज नहीं किया है। देखिए, इसमें तकनीकी कारण क्या है, किस तरह का हो रहा है, इसमें तो मैं ज्यादा आरबीआई में नहीं कह पाऊंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्यों हो रहा है, लेकिन वो ये है कि संस्था को अगर वो ठीक दिशा में जा रही है तो उसको ठीक दिशा में जाने देना है, जिससे कि हमारा अल्टीमेट जो संविधान का सारे कानून बनाए जाते हैं वो ये है कि हम एक वेलफेयर स्टेट बना रहे हैं। अगर वेलफेयर स्टेट के लिए ज़रूरी है कि वो जो संस्थाएं हैं वो अपनी चाल से चलें तो वो चलनी चाहिए, जहां अगर लगता है कि उससे जनता को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसका मोड़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि संविधान में भी देखिए कितने संशोधन हो गए हैं, 100 के ऊपर तो संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता था कि रिजर्व बैंक को स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने विचारों को व्यक्त करने, कोई किसी उनके विचारों पर अंकुश नहीं लगना चाहिए, लेकिन विधि में ही यह है कि आखिरी फैसला सरकार का होगा। और जहां तक मुझे याद है, अभी हाल ही में मैंने पढ़ा कि मनमोहन सिंह जी ने भी ये कहा कि रिजर्व बैंक गवर्नर कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, टोटली इंडिपेंडेंट। भाई, इकोनॉमी चलाने का दायित्व किसका है? सरकार का है। तो नवीन जी, क्या आपको लगता है कि यह सरकार जो ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं इनकी बात सुनती है, और अगर नहीं सुनती है तो क्यों नहीं सुनती? हम शक में क्यों रहे, हमें विश्वास में रहना चाहिए। आप बताएं, सरकार सबकी बात सुनती है और उसकी बात पे अमल भी करती है, और उसी की बातों को लेकर के, और जनता की भावनाओं, जनता की बात, सर्वोपरि जनता है, जनता के लिए सरकार चुन के आती है, जवाबदेही जनता के प्रति होती है। गरीबों के लिए अगर सरकार ने स्कीम लागू करनी है,
सरकार ने कहा कि 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का बीमा देना है परिवार को, सरकार को देना है। सरकार ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर देने हैं तो उसकी गैस कनेक्शन देने उसकी व्यवस्था करनी है। सरकार ने मैं स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब फाइनेंस से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की बात कीजिए नहीं, अभी आपने उसकी कहां की बात कर रहे हैं ना, आप जा रहे हैं पॉपुलर स्कीम पे। मैं कह रहा हूं जो संस्थाएं सीबीआई है, किसकी बात करेंगे आप? संस्थाओं की, सीबीआई को लीजिए, सीवीसी को लीजिए, ईडी को लीजिए, आरबीआई को लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को लीजिए। इनको स्टैट्यूटरी बॉडीज इसलिए भी बनाया गया ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस हो हमारे सिस्टम में। क्या वो आज काम कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला लेता है, सुनवाई करता है, तो जो 60 साल सत्ता में रहे वो जाकर के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लेकर के आते हैं, क्या वो सही करते हैं? क्या जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 4 जज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसको वो पॉलिटिसाइज करते हैं? वो जो सत्ता में रहे लोग क्या वो सही करते हैं क्या? मेरा कहना ये है, बार बार मैं बार बार भरत जी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा अगर कांग्रेस के मित्र यहाँ होते तो जवाब देते, वो उन जवाब उन्हीं को देना है, और वो जवाब देकर के उनको जवाब उन्हीं से पूछा जाएगा कि आपने उस सिस्टम को खोखला क्यों किया, और सिस्टम को अगर ठीक कर रहे हैं और ठीक करने की तगार पे चल रहा है तो आप उसके अंदर बार बार जड़ों के अंदर मट्टा क्यों डाल रहे हो भाई? ऐसा काम क्यों कर रहे हो जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट का मसला पर लोगों का विश्वास कम हो जाए? देखिए, आप जजेस का अपॉइंटमेंट का मामला ले लीजिए, जस्टिस के एम जोसेफ का मामला कितनी बार ऊपर नीचे गया, ऐसे बहुत सारे। आप इंदिरा गांधी जी का नॉमिनेशन भरने गए थे, जस्टिस खेर साहब जस्टिस बने ना बने, इलाहाबाद के अंदर थे ना, जमानत कराने गए थे, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, उन्होंने कहा नहीं चुनाव के लड़ूंगा, आपको जज बना देते हैं। मैं पुरानी बातों पे मत जाइए, ये जो नीतिगत फैसले हैं, जज नहीं थे जब उन्होंने, मैंने आपको क्या बताया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के किसी लटकने या नियुक्त के बारे में, वो संवैधानिक सिस्टम है, उसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के अंदर मैं और आप थोड़ी तय कर सकते हैं, सरकार को तय करना है, तो सरकार ने तय किया, उस डिपार्टमेंट ने जो तय किया वो वही बेहतर समझा होगा तो। उसका जवाब मैं सरकार, मैं पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, सरकार का नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग पॉलिटिकली यूज़ करते हैं संस्थानों को और छोटे छोटे घटनाओं को लेकर के पॉलिटिसाइज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, उससे संस्थाएं कमजोर होती हैं। ठीक है, और ये जो कर रही है ये वही लोग कर रहे हैं जो लंबे समय तक सत्ता में रहे। हाँ, पर जो अब सत्ता में शायद वो भी कर रहे हो। हाँ, वो तो उसको बचाने का काम कर रहे हैं, हो सकता है। और वो कांग्रेस होती तो आप हो सकता है वो आपको तो प्रतिपक्ष में मजबूरी में आना पड़ा, कांग्रेस भाग गई डिबेट से। कोई बात नहीं, कांग्रेस भागी नहीं डिबेट से, मुझे नहीं लगता भागे, हम नहीं ला पाए उनको, हमारी बात है। आप नहीं ला पाए तो ऐसा है विवेक कि ये जो संस्थानों में जो गिरावट आ रही है, जो आपने कहा कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और संसद की विफलता का भी एक प्रतिबिंब है, और तो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाने का काम अगर संसद का है तो पार्टियों पे, इस पार्टी ने ये किया, उस पार्टी ने वो किया, ये तो फिर बेकार की बातें हुई ना। तो हमारी प्रोसेस तो वहीं पर फेल हो गई कि कार्यपालिका को संसद अकाउंटेबल नहीं बना पाई। मेरा मानना यह है कि जनता को अब संसद से मांग करनी, और इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, एक किसी विशेष पार्टी या सरकार की बात नहीं कर। हाँ, भारत की जनता ये मांग कर सकती है संसद से कि संसद ठीक से चले। मुश्किल ये है कि हर अब देखिए, इसमें मैं नहीं जाऊंगा कि ऑपोजिशन नहीं चलने देता है, जब नहीं नहीं जब पहले जब पहले, आप नहीं, मैं बोल लूं, जब आप ऑपोजिशन में थे तो अब तब की सरकार कहती थी कि आप नहीं, अब इसमें मुझसे मत, इस पे मेरा इस पे नहीं, देखिए इसका देखिए सिद्धांत भाई, देखिए 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 मैं नवीन जी, पॉलिटिकल पॉइंट नवीन जी, पॉलिटिकल आदमी तो पॉलिटिकल जवाब दूंगा ना। नहीं तो फिर मैं भी पूछ नहीं रहे ना उस सवाल, इनको बोलने, हम मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई बात आती है वो बताना, इसलिए कि शाहबानो के केस में संसद ने क्या किया, दूसरे मैं 50 केस गिनवा सकता हूं जिसमें पार्लियामेंट ने क्या किया, लेकिन उसका जवाब देने वाला व्यक्ति नहीं है। आप तो नहीं ला पाए, इसलिए मैं बता रहा हूं जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को, जवाब उसी से मांगा जाएगा। हाँ, मांगा और जाएगा। मेरा अगर मेरे को बोलना है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि के कार्यकर्ता के तौर पर यहां पे हूं, तो मुझे जवाब पूछना पड़ेगा और जवाब मांगने के लिए। मेरा मानना यह है कि भारतीय राजनीतिक वर्ग संसद को ठीक से नहीं चला सकता, चाहे वो कोई भी दल हो उसमें शामिल, संसद को नहीं चला सकता। सही बात। और भारत की जनता को कि आज ये मांग हो सकती है, एक विनती भी हो सकती है अपने राजनीतिक वर्ग से कि संसद को तो आप ठीक से चलाएं। तो ये धारणा क्यों बन रही है? तो मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। मैं अग्री आपकी बात से समर्थन करता हूं, जो लोग संसद नहीं चलना देना चाहते, भारतीय जो लोकतंत्र में जनता है उसको नकारना चाहिए, हटा देना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है अविनाश जी,
कि ऐसी धारणा क्यों बनती जा रही है कि कार्यपालिका को केवल सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका ही जिम्मेदार बना सकती है, अकाउंटेबल बना सकती है, उत्तरदायी बना सकती है। ये काम तो संसद का होना चाहिए था, लेकिन आप राफेल डील को ही ले लें तो सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया या विमान की अत्यधिक कीमत के बारे में सुप्रीम कोर्ट को क्यों सवाल पूछना पड़ रहा है? ये संसद पूछ सकती थी, और संसद पूछती तो क्या सरकार जवाब देती? हर एक निर्णय सरकार का सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देख सकती कि क्या प्रक्रिया थी और संस्थागत प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ये माने ये जो मुद्दा है, जो रफाले का मुद्दा आप बता रहे हैं, तो वो मुद्दे में ये संसद में बहस होनी चाहिए थी, क्योंकि संसद में एक रूलिंग पार्टी है, वो भी एक संस्थान है, जो अपोजिशन है वो भी एक इंस्टीट्यूट है, अपोजिशन का इंस्टीट्यूट है, और जो मीडिया है वो भी एक बड़ा संस्थान है। तो ये इन सब संस्थाओं को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेक एंड बैलेंसेस में रखा हुआ है, उससे ये है कि उसमें जवाबदेही सरकार की बनती है। जो सरकार सत्ता में है उसको जवाब देना है कि क्या है, क्यों है और किस लिए है। अब आप न्यायपालिका के तरफ हर चीज़ के लिए देखना भी उचित नहीं है, क्योंकि आज हम देखें तो आम आदमी को न्याय कहाँ मिल रहा है? केसेस पड़े हैं करोड़ों की तादाद में, छोटे कोर्ट्स में, बड़े कोर्ट्स में, उससे बड़े कोर्ट्स में, उससे बड़े कोर्ट्स में, तो हम उस जस्टिस को तो मिले कम से कम। जी, एक प्रिंसिपल मैं आपसे, हमारा सिस्टम तभी चलता है जब हर इंस्टीट्यूशन सेल्फ रिस्ट्रेंट रहे, अपनी हद में रहे। अगर अपनी हद से बाहर जाते हैं तो फिर सिस्टम नहीं चल सकता। एक हर संस्थान के चारों ओर एक लॉ का घेरा होता है, कानून का घेरा होता है, और जो संस्थान है वो किसी व्यक्ति विशेष के मोहताज नहीं होता, क्योंकि वो आउटलिव करता है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, संस्थान चलता रहता है, संस्थान लगातार चलता है, और वो जो घेरा है उस घेरे को संस्थान में अगर कोई पार कर रहा है तो ये दोनों का काम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यायपालिका का काम नहीं है, कार्यपालिका का भी काम है, न्यायपालिका का काम है, क्योंकि कानून की रक्षा के लिए न्यायपालिका बनी है, तो वो भी देखे कि ये क्यों नहीं इस संस्था में ये कानून का पालन हो रहा है। तो नवीन जी, अगर आप अविनाश की बात से सहमत हैं कि जो भी संस्था हो, चाहे वो सरकार हो यानी कार्यपालिका हो, या विपक्ष हो या मीडिया हो या न्यायपालिका हो, इनको एक कन्वेंशन और एक कानून के घेरे में काम करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए कि अगर गलत काम हो रहा है तो कहें कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है तो उसको सपोर्ट करें, तो ये आज हो रहा है क्या? सबसे पहली बात तो आपने राफेल की बात की थी, मैं उसका जवाब देना इसलिए जरूरी कि आपको याद होगा 177 के तहत लोकसभा में डिबेट हुई, और जिस डिबेट में विपक्ष के जो रूलिंग पार्टी, जो 6 दशक रही, मैं फिर कहूंगा उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनके कान में आकर के कहा था कि राफेल डील के अंदर ये घोटाला हुआ। बाद में उसी चर्चा के दौरान फ्रांस सरकार ने उसको डिनाइल भेजा। इस देश के लोकतंत्र के अंदर सबसे पहली बार चीचा लेदर हुई, किसी और के नहीं। सरकार ने बताया, दसों का सीओ बोलता है कि 8-9% पहले से राफेल से दाम कम कराए सरकार ने लिए, क्योंकि इक्विपमेंट बढ़ा, लेकिन वो भी गलत बोल रहा है। मेरी बात सुन लीजिए ना साहब, कांग्रेस का नेता जिसको वो कहते हैं कोई बात ही, तो बच्चे हैं भी, नए नए बोल रहे हैं, बच्चा बचकाना होना हो सकता है, लेकिन वो बचकाना व्यक्ति अगर किसी रूलिंग पार्टी में रहा बहुत लंबे समय तक, उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसके मुंह से निकली भी हर बात का एक महत्व होता है। वो अगर ये कहे कि नहीं, दसों का चेयरमैन भी झूठ बोल रहा है, फ्रांस की सरकार भी झूठ बोल रही है, फ्रांस के राष्ट्रपति भी झूठ बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं, सच्चा कौन बोल रहा है? वही सच्चा बोल रहा है। वो कहता है मुझे कर्मचारी ने बताया वहां के, क्या आप किसकी बात पर, कौवा कान ले गया और आप कौवे के पीछे भागे, अपना कान ना देखे, आपको दूसरा सवाल पूछा था मैंने, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, सुन लिया ना मैंने आपकी बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपसे भी देना बहुत जरूरी है साहब, क्योंकि वो सवाल मेरे से, उसके बाद देखिए उस पर बहस हम अलग से कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इतनी खबरें और आ चुकी हैं कि राफेल की डिबेट तो बिल्कुल बदल गई है ना। अभी अगर वो बात सही होती, अगर वो बात सही होती, क्योंकि आपने तो जो उसका जवाब नहीं देना था, मामला लंबित क्यों होता? अगर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही था और मामला वहीं पे खत्म हो जाता तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है। याकूब मेनन को फांसी देने के बाद रात को 1:30 बजे खुलवाई, वो सही था क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ सही था, मैं कह रहा हूँ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो सही था। अरे भाई, मैं आपसे संस्थाओं के बारे में पूछ रहा हूँ, आप राफेल डील की बात कर रहे हैं, आप पूछ रहा हूँ जी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखनी चाहिए, वो एक इंटरनल मैकेनिज्म होना चाहिए कार्यपालिका के अंदर और संसद के अंदर,
जिससे आपको न्यायपालिका में जाने की जरूरत न पड़े। आपके शब्दों को ही मैं कह रहा हूँ, आप तो एक किसी पार्टी को गाली देके बात कर रहे हैं, कुछ उनके बारे में कह रहे हैं कि कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, बचकाना है, तकलीफ हो सकती है। नहीं मुझे नहीं होती, मुझे नहीं होती। मैं सोचता हूँ कि हमें हर एक पार्टी के बारे में थोड़ा इज्जत के साथ बात करनी चाहिए। मैं तो बड़े सम्मान से बोल रहा हूँ। अच्छा, ये सम्मान से बात करने का तरीका है तो मैं क्या कह सकता हूँ आपको। खैर विवेक, जहाँ तक सीबीआई या सीवीसी जैसी एजेंसियों पर न्यायपालिका के निरीक्षण की बात है, ये हम मान रहे हैं कि ये उचित नहीं है, लेकिन आज नौबत ऐसी आ गई है कि सीवीसी की इंक्वायरी को सुपरवाइज कर रहे हैं एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। कल ऐसी भी नौबत आ सकती है कि चुनाव आयोग के किसी डिसीजन के ऊपर इंक्वायरी हो और वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के लोग बैठ जाएं, तो इसको ये कहाँ रुकेगा मामला? हमें इसीलिए वापस जाना है जो कि हमारे बुनियादी सिद्धांत है। अब आप ही सोचें कि सीवीसी का जितना भी सिस्टम आज के दिन है उसमें न्यायपालिका का रोल रहा बनाना, लेकिन आज के दिन अगर सीवीसी की स्वतंत्रता पे, उसकी निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह, और सुप्रीम कोर्ट को एक रिटायर्ड अपने जज को नियुक्त करना पड़ रहा है कि वो ओवरसी करे, तो इसके माने ये है कि क्या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के अलावा और कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष है नहीं इस देश में? ये विफलता किसकी है? सरकार की विफलता है। 216 जुडिशियल इंक्वायरी हुई आज से पहले, 260। मेरा मानना है कि ये विफलता हमारी पूरी प्रणाली की है, और ये इसलिए है क्योंकि हम अपने जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनसे अलग चले गए। ये भी बात हुई है कार्यपालिका में, कई मसले थे उसमें, कोई भी पार्टी, कई मसले थे जो कि बहुत मुश्किल मसले थे जी, जी। उनको न्यायपालिका की गोदी में डाल दिया, न्यायपालिका ने उसको मंजूर किया। न्यायपालिका को कहना चाहिए था कि नहीं, ये हमारा मसला नहीं है, ये आप खुद करें, ये राजनीतिक मसला है, इस बीच में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो अब ये प्रणाली पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी या कब तक होगी, इसके विषय में हम अभी क्या कह सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का समय समाप्त हो गया है। मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले अपने खास मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ, श्री विवेक कारजू, श्री अविनाश मोहनानी, श्री नवीन कुमार जिंदल। इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।